माननीय ये सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के से भक्तजन, बड़ी प्रसन्नता की बात है हमारे समूचे देश के लिए कि 195 वर्षों के बाद, उस प्रकार इसके इतने इंतजार के बाद, अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है। मैं ये कहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के विग्रह की, उनके जो मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, इस समय सभी हिंदुस्तान के रहने वाले, भारतवर्ष के रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी एक चित्त होकर के, एक मन होकर के और एक भाव पूर्ण होकर के वहाँ श्रद्धापूर्वक उसमें भाग लें। और विशेष रूप से एक, अब थोड़े से शब्दों में तो बात कहना संभव है, बात ही बहुत बड़ी है, बात ही बहुत बड़े एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की है कि जिन्होंने मर्यादाओं को स्थापित किया और आज भी उन मर्यादाओं की आवश्यकता है, घर घर में आवश्यकता है। और उन्हीं मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। ये किसी पार्टी विशेष का काम नहीं है, ये सनातन धर्म का काम है, प्रत्येक हिंदू जनता का काम है। और इस समय हम जब उस प्रतिष्ठा के प्रति आगे बढ़ेंगे, ये निश्चित रूप से पता चलेगा। ये 495 वर्षों के बाद इस प्रकार का ऐसा समय हमें मिला है कि ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है, जिसमें सभी शंकराचार्य और सभी विद्वान, सभी देश के बहुत बड़े बड़े नेता और जितने भी हमारे साधु संत महात्मा हैं, वो वहाँ पर आ रहे हैं। मैं भी आपसे ये विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि मुझे भी वहाँ से निमंत्रण प्राप्त हुआ है और उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वास्थ्य इतना अनुकूल न होने के कारण से मैं वहाँ पर नहीं जा सकूँगा, लेकिन मुझे जो निमंत्रण पत्र मिला है वो भव्य निमंत्रण पत्र है। और उस निमंत्रण पत्र को देने के लिए भी मुझे, मेरे पास बहुत ही एक शालीन लोग और बहुत ही एक सभ्य लोग जो मेरे पास आए थे, मैं उनका समय विवरण क्या कहूँ। लेकिन हमें जो निमंत्रण पत्र मिला है, आप ये समझिए कि वो निमंत्रण पत्र आप सबको मिला है। आप सबको अपने भावों से, स्वयं जाकर के अपनी भावनाओं से, अपनी श्रद्धा से वहाँ पर राम जी की प्रतिष्ठा में हमें उपस्थित होना चाहिए। और हम इस समय सभी को बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री प्रमुख यजमान हैं और उनको भी हम बधाई देते हैं, सारे शंकराचार्य जी को और जितने भी लोग हमारे हिंदू जाति के जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं उन सबको, और इसके जो अध्यक्ष थे चंपतराज जी, उनको भी मुबारक देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का एक समय समय पर इस प्रकार का ऐसा काम किया। जो कर्मकार जिन्होंने उसमें काम किया, जो इंजीनियर हैं जिन्होंने काम किया, जो कर्मचारी हैं जिन्होंने काम किया, वो सभी इस समय बधाई के पात्र हैं। एक बात विशेष और मैं इस समय आदरणीय श्री आडवाणी जी को भी और जो हमारे एक मुरली मनोहर जोशी जी को मैं एक बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ योगी जी जो हैं, योगी जी ने अपने उस प्रदेश में यूपी में इतना बड़ा बड़ा काम किया है कि जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसे उनको और प्रतिष्ठा में विशेष रूप से वो भाग ले रहे हैं, उनका भी मैं आज एक धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।